आज का एक सवाल था कि रोज़े की हालत में आया हिजाब लगाया जा सकता है, बालों को कलर किया जा सकता है, रोज़े की हालत में आया दाढ़ी का बनवाना, दाढ़ी का मुंडवाना, नाखूनों का काटना, क्या ये उमूर अंजाम दिए जा सकते हैं रोज़े की हालत में? जी, तमाम मराजे का मुत्तफ़क़ुन अलैह ये बहरहाल इस पे फतवा है और फ़ैसला यही है कि रोज़े के हालत में बहरहाल खिजाब का लगाना और बालों का कटवाना, नाखून का काटना और दाढ़ी का बहरहाल बनवाना, ये कोई इश्काल नहीं, कोई हर्ज नहीं, इससे रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। यानी रोज़े से कोई इसका मतलब नहीं, रोज़े पे कोई इससे असर नहीं है। रही बात जो मसला यहाँ पे है कि दाढ़ी का मुंडवाना, बहरहाल चे रोज़े के आलम में चे गैर रोज़े के आलम में, बहरहाल वो जो गुनाह है, जो ममानियत है कि दाढ़ी का मुंडवाना यानी ब्लेड चलाना या बिल्कुल ज़ीरो मशीन लगाना, कि जो ममानियत है वो अपनी जगह, बहरहाल वो मना किया गया है और वो सही नहीं है, लेकिन उससे रोज़े पर कोई असर नहीं है। यानी रोज़े पर, यानी अगर कोई इंसान दाढ़ी जो मुंडा रहा है, जो गुनाह है वो अपनी जगह है, लेकिन उससे रोज़े पर कोई असर नहीं, उससे रोज़ा उसका बातिल नहीं होगा।